गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर MCQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। UPSC हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है। इन्हें 25 अलग अलग आयामों से पूछे जाते हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से हम आपके लिए करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, उसे आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 17वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन कहता है, ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो बीजिंग में मुख्यालय के साथ ऋण और अनुदान के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। फ्रेंड्स, पहले कथन में ये बताया गया है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अगले भाग में ये बताया गया है कि इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ये गलत है, क्योंकि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, इसलिए इस हिस्से में ये गलत हो जाता है। इसके आगे जो बताया गया है कि ऋण और अनुदान के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने की दिशा में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इस कथन के हिसाब से हम देखें तो इसे हम गलत कहेंगे, क्योंकि इसके मुख्यालय को गलत बताया गया है। दूसरा कथन क्या कहता है, भारत ADB का संस्थापक सदस्य है, ये बिल्कुल सही है। जब एशियाई विकास बैंक को 1966 में स्थापित किया गया था, भारत उन संस्थापक सदस्यों में से एक था। यानी कि आपको सही कथन की पहचान करनी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे। UPSC जो प्रश्न पूछती है वो स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ सही सही होता है, लेकिन कोई एक शब्द की वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान दें तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके सदस्य के रूप में वे देश शामिल हो सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन के आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्य हैं, वे इसके सदस्य बन सकते हैं, मतलब ADB के सदस्य बन सकते हैं। इसमें जब स्थापित किया गया था उस समय कुल 31 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 68 सदस्य इसमें हैं। भारत इसका चौथा सबसे बड़ा शेयर धारकों में से एक है और शीर्ष उधारकर्ताओं में भी भारत का नाम आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इसके सर्वोच्च शेयर धारक हैं, उसके बाद चीन और उससे थोड़ा सा कम भारत का चौथा शेयर धारिता है, आप इसे देख सकते हैं। उसके आगे ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। एक अन्य बात जो आपको ADB के बारे में याद रखना है वो ये कि ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा भी रखता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, चाइना स्टडी ग्रुप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन क्या कहता है, यह भारत चीन संबंधों से जुड़े रणनीतिक अध्ययन और भूमि युद्ध पर एक स्वतंत्र या स्वायत्त थिंक टैंक है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, पहला कथन गलत है। चाइना स्टडी ग्रुप जो है वो भारत सरकार का चीन के साथ सीमा विवाद संबंधी मामलों पर सलाह देने के लिए एक सरकारी निकाय है। यहां पर बताया गया है कि ये एक स्वतंत्र और स्वायत्त थिंक टैंक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है, यह राष्ट्र सुरक्षा मुद्दों, पारंपरिक सैन्य अभियानों और अन्य पारंपरिक युद्ध से निपटने के लिए चीन भारत युद्ध के ठीक बाद स्थापित किया गया था। चीन भारत युद्ध 1962 में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, इसलिए इसका दूसरा कथन भी गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे। जो मुख्य बात आपको याद रखना है वो ये कि
चाइना स्टडी ग्रुप जो है वो एक सरकारी निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार के द्वारा की जाती है। हालांकि जब इसे स्थापित किया गया था उस समय इसकी अध्यक्षता विदेश सचिव के द्वारा की जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार के द्वारा की जा रही है। इसमें अन्य सदस्य जो शामिल होते हैं वो कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मामले से संबंधित कोई अधिकारी, रक्षा और सेना के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1976 में इसे स्थापित किया गया था चीन के साथ नीतिगत मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए। इसे स्थापित करने में जो मुख्य भूमिका निभाई गई थी वो के आर नारायणन के द्वारा थी। इनका दो लक्ष्य रखा गया था, एक तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसकी समीक्षा करने के लिए, साथ ही साथ यदि कोई ग्रुप या फिर संगठन चीन के मामले में सीमा विवाद पर बातचीत करने के लिए आगे बढ़ता है या फिर जाता है तो उसकी तैयारी को आंकना और उसको विभिन्न मामलों में सलाह देना, दिशा निर्देश देना, इसके लिए CSR यानी कि चाइना स्टडी ग्रुप का गठन किया गया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। CSR के दिशा निर्देशों के आधार पर ही जो भारत का उत्तर पूर्वी सीमा है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में सड़कों का निर्माण किया गया चाइना के साथ लगने वाले पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया में। और चाइना को इसी बात को लेकर अभी चिढ़ है। जब 1962 के युद्ध में भारत हार गया था उसका सबसे बड़ा वजह यही था कि हम बॉर्डर तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन 1997 के बाद से लेकर भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे अच्छे कार्य किए गए हैं, विशेष रूप से 2014 की सरकार बनने के बाद, और लगातार इस दिशा में इतना सुदृढ़ कार्य हुआ कि उससे चीन बेचैन हुआ और उसकी बेचैनी को आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी फ्रेंड्स चाइना स्टडी ग्रुप के बारे में। प्रश्न पूछा जा सकता है, अब ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एजेंडा फॉर एक्शन 2020 का संबंध भारत और किससे है। यहां पर आपके दिए गए ऑप्शन में अफ्रीकी संघ, बिम्स्टेक, G20, यूरोपीय संघ। तो फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए, एजेंडा फॉर एक्शन 2020 जो है वो यूरोपीय संघ और भारत के बीच किया गया है। फ्रेंड्स आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जोड़कर देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स अभी 13वां भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इसलिए ये न्यूज में है। और इसमें आने वाले 5 सालों तक यूरोपीय संघ और भारत किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करेंगे इस चीज पर बात विचार की गई है। बहुत सारे चीजों पर समझौते भी हुए हैं। हमने अपने कल के डिस्कशन में भी यूरोपीय यूनियन से संबंधित कुछ प्रश्न देखा था। आज इसी से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न हैं जो पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर में 13वां मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर में 15वां शिखर सम्मेलन का आयोजन बताया जा रहा है। फ्रेंड्स ये 13वां है क्यों, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो समझौते की शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी, लेकिन नहीं, जो समझौते की शुरुआत हुई थी वो 2005 से हुई थी, लेकिन इसका अंतिम समझौता जो था वो 2007 में फाइनलाइज किया गया और हम उसी को काउंट करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये कितनावां शिखर सम्मेलन था तो आप 13वां ही बताएंगे, क्योंकि 2007 में फाइनल होता है, उसके बाद में फिर लगातार हर साल आयोजन किया जाता है, तो इस हिसाब से आप देखें तो 13वां होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो आने वाले 5 सालों के लिए जो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनको आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, वो ये किया गया है कि जो बार बार महामारियां होती हैं उन महामारियों से निपटने के लिए दोनों देश किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र में मामलों को उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चीन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के नाते कोरोना जैसे महामारी को आने ही नहीं दे रहा है। तो इन दोनों देशों के द्वारा समझौता हुआ है कि उसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा।
2013 के बाद से मुक्त व्यापार समझौता जो कि 2007 में हुआ था वो निलंबित है, तो उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए सहमति बनी है। एक अन्य बात, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, इस दिशा में भी दोनों के बीच समझौता हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आदान प्रदान किए जाएंगे, जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान किया जाएगा आने वाले 5 सालों के लिए, तो इस बात पर सहमति बनी है। तो इन समझौतों को आप याद रखें, क्योंकि 2016 में समझौते से संबंधित प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न यूरोपीय यूनियन से ही संबंधित है। आपको प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन के निर्माण के लिए की गई थी। जो आज आप जान रहे हैं कि यूरोप के लगभग सभी देश तो नहीं है लेकिन सभी देश लगभग हैं जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, तो आप इसे बताएं कि ये किस समझौते के तहत गठित किया गया था। आपके दिए गए ऑप्शन में मॉस्ट्रिच संधि, मराकेश संधि, ब्रुसेल्स संधि या फिर बेसल सम्मेलन। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स यूरोपीय संघ को गठित किए जाने वाले संधि का, तो मॉस्ट्रिच संधि वो संधि थी जिसके बाद यूरोपीय संघ को गठित किया जाता है। आप याद रखेंगे प्रश्न पूछा जाता है, जा सकता है चाहे वो स्टेट पीसीएस में हो या फिर यूपीएससी में हो, क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ भारत बहुत तीव्रता से कार्य कर रहा है, सहयोग के दिशा में बहुत जोर शोर से कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में इसके 28 सदस्य हैं। इसे एक संधि के माध्यम से गठित किया गया जिसे आप जान रहे हैं अब मॉस्ट्रिच की संधि, जिसे 1 नवंबर 1993 में गठित किया गया था और ये लागू हुआ था। मुख्य रूप से वहां विदेशी मामले, सुरक्षा नीति, नागरिकता, आवाजही, शरण, न्यायिक इत्यादि मामलों पर सारे देश मिलकर कार्य करेंगे, इसलिए इस समझौते को किया गया था। अब कह सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा इत्यादि मामलों पर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए यूरोप के 28 देश एक साथ आते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। वर्तमान में ये वो कुछ देश हैं जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। आप जान रहे हैं कि ब्रिटेन कुछ समय पहले ही बाहर हो गया, स्विट्जरलैंड इसका सदस्य नहीं है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नॉर्वे भी इसका सदस्य नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि पूछा जाएगा तो यही वो देश होंगे जो स्टेटमेंट में दिए होंगे और कहा जाएगा ये वो सदस्य हैं, तो आपको जो इसके सारे सदस्य हैं उनको याद नहीं रखना है, जो इसके सदस्य नहीं है उन्हीं को बस आप याद रख लीजिए। हमारे डिस्कशन का 5वां प्रश्न क्या कहता है, समाचारों में देखी जाने वाली 9-लाइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके दिए गए ऑप्शन में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा, इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष, दक्षिण चीन सागर, भारत चीन LAC स्टैंड ऑफ। अब आपको बताना है कि 9-लाइन जो है वो इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को इंटरनेशनल रिलेशन या फिर IR से जोड़कर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें 9-लाइन का, तो ये दक्षिण चीन सागर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप इसे मैप के माध्यम से देखें, आपको समझना आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये दक्षिण चीन सागर का एरिया है। ये जो आप लाल डॉट देख रहे हैं इसे ही चीन के द्वारा 9-लाइन कहा जाता है। 1940 के बाद से चीन इस पूरे एरिया के बीच वाले हिस्से को अपना बताता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से जो देश होते हैं उनके साथ सीमा लगने वाला 20 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है वो संबंधित देश का होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामलों पे ये लागू नहीं भी होते हैं, कहीं कहीं पर 200 नॉटिकल मील तक का भी विशेषीकृत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन आप इस मैप के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये चाइना का कितना बड़ा बचपना है। आप देखिए, ये वियतनाम है,
वियतनाम के बिल्कुल समीप से होकर 9 डैश लाइन गुजर रहा है। वियतनाम इतने सारे एरिया को क्लेम करता है, इतने सारे एरिया को क्लेम करता है और उसके अंदर से चीन का 9 डैश लाइन गुजरता है और चीन उसे अपना सीमा, अपना एरिया बताता है। वैसे ही मलेशिया वाले मामले पे आप देखिए, ये जो एरिया है, साथ ही ये एरिया और ये वाला एरिया जो है वो मलेशिया के द्वारा अपना बताया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 9 डैश लाइन कहां से होकर गुजरता है और वो कितना बड़ा विवाद का कारण है। ऐसे ही फिलीपींस को आप यहां पर देख सकते हैं, फिलीपींस जो है वो इतना सारा सीमा को अपना बताता है, लेकिन इसके बिल्कुल समीप से होकर 9 डैश लाइन गुजर रहा है जिसे चीन अपना बताता है। ब्रुनेई यहां पर है, ये इतने सारे सीमा को अपना बताता है, लेकिन इस क्षेत्र में भी चाइना के 9 डैश लाइन होकर गुजरती है और इसे भी अपना बताया जाता है। तो ये विवाद का कारण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन में कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं जो हमारे अब लगभग ट्रेडिशन बन रहा है, उसमें ये कि जियो और गूगल के बीच अभी एक समझौता हुआ है भारत में 5G ट्रायल को शुरू करने के लिए। इसके अंतर्गत जो जियो के द्वारा ट्रायल किया जाएगा उसमें एंड्रॉइड फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्मित करने के लिए गूगल के द्वारा एक सस्ते एंट्री लेवल 4G और 5G स्मार्टफोन को विकसित करने की दिशा में 7.7% हिस्सेदारी के साथ जियो के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। यानी कि आप याद रखेंगे कि भारत में 5G ट्रायल करने के लिए जो स्मार्टफोन को निर्मित किया जाना है उस दिशा में जियो और गूगल के बीच समझौता हुआ है। इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो जियो का होगा, लेकिन 7.7% हिस्सेदारी जो है वो गूगल की होगी। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। गूगल ने ऐसा कहा है कि लगभग 33,737 करोड़ रुपए भारत में इसके अंतर्गत निवेश किए जाएंगे। हालांकि जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री कुछ अन्य क्षेत्र जैसे कि खुदरा व्यापार के मामले में, जैसे आप अमेजोन को जानते हैं, फ्लिपकार्ट को जानते हैं, उसी एरिया में भी अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है और निवेश जुटाने के कार्य कर रहा है, लेकिन इन दोनों सेक्टर में अभी किसी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया है। उसी प्रकार से पेट्रोकेमिकल के मामले में भी निवेश जुटाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से शेयर धारिता के बारे में न्यूज पढ़ने को मिलेंगे, आप ध्यान रखेंगे। गूगल ने अभी कुछ ही दिनों पहले घोषणा की थी कि भारत में $10 बिलियन निवेश करेगा, जिसमें जियो में उसका निवेश पहला है। तो आप इसे ध्यान रखें। जो हमारा अगला मिसलिनियस टॉपिक है वो भारत का पहला ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हब कहां निर्मित की गई है। तो आप याद रखेंगे केरल के कोच्चि बंदरगाह में वल्लार पदम टर्मिनल में इसे निर्मित किया गया है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके दो इकाइयां होती हैं। एक जो होता है वो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है या फिर दूसरे देशों के साथ जुड़ा होता है, वहां से बहुत सारी सामानें आती हैं, आने के बाद उसे एक स्थान पर पहले स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, स्टोर करने के बाद उसे चेक किया जाता है कि उसमें कुछ गलत सामान नहीं है, अवैध सामान नहीं है, टैक्स दिया गया है कि नहीं, और उसके बाद उसे दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। क्योंकि दूसरे स्थान पर जब ले जाया गया तो उससे पहले उसको उसका टैक्स पे कर दिया गया है, उसे संबंधित जो भी चेक किया जाना था किया जा चुका है, अब उसे दूसरे स्थानों में उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि कोई जहाज लेकर सामान को आती थी, पहले उसको रोककर उसी जहाज में रखना पड़ता था, तब तक जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता था कि इसका टैक्स पे कर दिया गया है, जो सामान है वो अवैध नहीं है, सारे चेकिंग होती थी, उसके बाद ही सामान को उतारने की अनुमति दी जाती थी। अब ऐसा किया गया है कि उतार के रख लो, तुम वापस जाना है चले जाओ, कुछ अधिकारियों को यहां छोड़ दो, वो चेक करेंगे, उसके बाद वापस हम उस सामान को देख लेंगे। तो ये निर्मित किया गया है, आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्ट हब पहला है भारत का कहां है, कोच्चि बंदरगाह के वल्लार पदम टर्मिनल के अंतर्गत निर्मित किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के बारे में है। सबसे पहले आप याद रखें कि ये पाकिस्तान में है
और ये किस नदी पर निर्मित किया गया है? झेलम नदी पर। फ्रेंड्स, चीन और पाकिस्तान के सहयोग से अभी जो पीओके है यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर बहुत सारे ऐसे विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, तो इसलिए यह लगातार न्यूज में है। आप इसे ध्यान से देखते रहें, क्योंकि हो सकता है आपको या तो नदी के साथ मैच कराने के लिए पूछ ले या फिर ये कहां है ऐसा पूछ ले, तो आप ध्यान रखें। तो सीधा सीधा तो यही कि आजाद पटन जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे ये पाकिस्तान में है और झेलम नदी पर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और पीओके कहां है इसे आप देख सकते हैं। और ये भी यदि पूछा जाए कि क्या ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, तो कहेंगे आप जी हाँ आता है, इसी से तो चाइना पाकिस्तान के घर घर में घुस रहा है। कुछ और ऐसे ही विद्युत परियोजना थे जो न्यूज में थे, तो वो कोहाला जल विद्युत परियोजना था, ये भी झेलम नदी पर था। दूसरा कारोट हाइड्रो पावर स्टेशन जो था वो भी झेलम नदी में था, ये पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थापित किया गया था, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और गिलगित बलूचिस्तान में कुछ और ऐसे ही प्रस्तावित हैं, फडार हाइड्रो पावर और गिलगित KU KIU, तो ये भी आप याद रखेंगे शायद पूछा जाए। हमारे डिस्कशन का नवा जो टॉपिक है वो प्लाज्मा डोनर से संबंधित है। आपने देखा होगा कि दिल्ली की सरकार ने भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक क्या है, वो कहां पर है? दिल्ली में। प्लाज्मा क्या होता है? हमारे रक्त का एक अंश होता है, ये मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को, मतलब रोगों से लड़ने में मुख्य रूप से यही कार्य करता है। तो जो लोग अभी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और उसके बाद ठीक हो गए, तो उनके प्लेटलेट्स को, उनको, उनके प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उस प्लाज्मा को किसी दूसरे व्यक्ति में प्रतिस्थापित किया जाए और वो व्यक्ति भी कोरोना से लड़े और लड़ने के बाद वो उसको कोरोना से ठीक कर लिया जाए। असम की सरकार ने क्या किया है कि पूरे भारत में आह्वान किया गया है कि आप आए और आने के बाद आप प्लाज्मा डोनेट करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में कुछ वरीयता दी जाएगी, साथ ही यदि आप असम सरकार के अंतर्गत जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में अलग से अंक दिए जाएंगे, एक अलग प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरे ऐसे जॉब के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी आपको वरीयता दी जाएगी। आने का खर्च भी आपको असम की सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि आप कभी असम घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर जो स्टेट गेस्ट हाउस होता है वहां पर आपको रुकने के लिए भी व्यवस्था असम सरकार के द्वारा आने वाले पूरे समय के लिए की जाएगी, ऐसी बात कही गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो फायदे की बात की गई वो किसके, कौन, किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई, कहीं ये केंद्र सरकार के द्वारा तो नहीं की गई, ऐसा पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला क्या कहता है, चट्टोग्राम बंदरगाह के बारे में है। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि चट्टोग्राम बंदरगाह कहाँ है, ये बांग्लादेश में है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि चट्टोग्राम बंदरगाह से अभी पहली बार भारत का एक आवाजाही करने वाला जो पानी जहाज था वो जल मार्ग के माध्यम से अगरतला पहुंचा, इसलिए ये न्यूज में था। तो आपको ये दो तीन बंदरगाह याद रखने हैं, एक तो मागोंग बंदरगाह, मोगंग बंदरगाह, दूसरा चट्टोग्राम बंदरगाह, ये आप देख सकते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को इधर से होके बहुत दूर जाना पड़ता है, त्रिपुरा जाने के लिए, मिजोरम जाने के लिए, तो यदि ऐसा हो जाए तो यहाँ पे कोलकाता है, वहां से हल्दिया के माध्यम से निकलेंगे सीधा सीधा इस बंदरगाह यानी कि चट्टोग्राम, चट्टोग्राम से फिर जल मार्ग के माध्यम से त्रिपुरा या तो मणिपुर, मिजोरम, तो ये काफी आसान हो जाएगा। तो आप ये बंदरगाह का नाम याद रखेंगे, ये कहां पर है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।